गाइस so अगर आप लोगों ने 2023 में एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई किया है चाहे कोई भी बैंक हो एक्सवाई बैंक का बड़ौदा बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक बैंक ऑफ इंडिया कोई भी बैंक हो अगर आप लोगों ने एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो 2023 में एटीएम कार्ड कितना जल्दी मिल रहा है इसका डिलीवरी टाइम क्या है कितने दिनों के बाद डिलीवर होता है कौन सा बैंक सबसे लो टाइम में यानी कि बहुत जल्दी डिलीवर करता है कौन बैंक बहुत ही ज्यादा समय लगा रहा है आप लोगों को डिटेल से इस वीडियो में बताने वाले हैं और साथ में आप लोग को ये भी बताने वाले हैं कि अगर लेट होता है अगर आप लोग को एटीएम कार्ड नहीं मिल पा रहा था क्यों नहीं मिल पा रहा है ठीक है और ए कार्ड मिलने में कहाँ पर समय लग रहा है कहाँ पर आप लोग का ए कार्ड फंस रहा है डिटेल बताएंगे आपके मन में जो भी डाउट होगा जो भी क्वेश्चन होगा सारा का सटीक सारा तो और तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं तो देखिए हम लोग का काम बेसिकली क्या होता है कि हम लोग करते क्या है कि जब भी हम लोग को एटीएम कार्ड के लिए रिक्वायरमेंट होती है तो हम लोग या तो ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं अगर हमारे पास मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग है यूजर आई डी पासवर्ड है तो हम लोग ऑनलाइन ही अप्लाई कर देते हैं अदरवाइज हम लोग बैंक में जाकर के ए टी एम कार्ड अप्लाई करते हैं ठीक है तो देखिए जो बैंक में जाकर के एटीएम कार्ड अप्लाई करते हैं और जो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं इन दोनों में देखिए फर्क होता है ठीक है इन दोनों केस में एटीएम कार्ड मिलने में दोनों में अलग अलग समय लगता है अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो उसमें एटीएम कार्ड आने में फास्ट आप लोगों का एटीएम कार्ड आता है यानी कि कम समय लगता है ठीक है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो आप तो वो क्या है वो डिटेल्स डायरेक्टली चला जाता है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जहाँ से ए कार्ड आपके अकाउंट से वेरीफाई होने के बाद तुरंत अप्रूवमेंट हो जाता है और मैन्युफैक्चर होने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर डिस्पैच का एस आ जाता है और ए कार्ड जो है करीबन पंद्रह दिनों के अंदर में आपके होम एड्रेस पर डिलीवर भर ही हो जाता है ठीक है लेकिन यहाँ पर कुछ केस में ऐसा

अब दूसरे केस की बात करें कि अगर आप लोगों ने ऑफलाइन अप्लाई किया है यानी कि बैंक में जाकर के ए टी कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो आप लोग का देखें आप लोग क्या करते हो फॉर्म लेते हो फॉर्म लेने के बाद आधार कार्ड फोटो वगैरह लगा करके एटीएम फॉर्म फिल करके बैंक में जमा करके चले जाते हो भाई इतना कुछ कर देने से एटीएम कार्ड अप्लाई नहीं हो जाता है ठीक है जब बैंक का एम्प्लॉय आपके फॉर्म को आपके अकाउंट पर रिक्वेस्ट भेजेगा एटीएम कार्ड के लिए ऑनलाइन करेगा तभी आप लोग का ए टी एम कार्ड जो है अप्लाई होगा अदरवाइज वो फॉर्म जैसा का तैसे बंडल में रखा ही रह जाएगा ठीक है अब ये बैंक के इम्प्लॉय के ऊपर देखिए डिपेंड करता है कि वो कितने दिनों में आप लोग का जो है ए टी एम कार्ड के लिए ऑनलाइन करता है ऑनलाइन रिक्वेस्ट करता है ठीक है ये है इसकी सच्चाई ठीक है इसी वजह से कभी कभी बैंकों में क्या होता है कि हम लोग ए टी एम कार्ड का फॉर्म तो जमा कर देते हैं लेकिन दो महीने बाद भी हम लोग का ए टी एम कार्ड का आता पता नहीं चलता है अगर दोबारा से हकीकत के इसमें बताऊ ना कि अगर दोबारा से अगर आप लोग जाओगे उस ए टी एम फॉर्म को ढूंढने उस बंडल को ढूंढने तो उस बंडल में क्या पता है आपका भी फॉर्म मिल जाए ठीक है तो ऐसे केस में ऐसा होता है कि बैंक के इम्प्लॉय लोग जो होते हैं एटीएम कार्ड अप्लाई करते नहीं और हम लोग इंतजार पर इंतजार करते रह जाते हैं लेकिन एटीएम कार्ड तो घंटा नहीं आता है ठीक है तो ऐसे केस में क्या करें ऐसे केस में आप लोग बैंक में जा कर एक के एकदम ज़रूर रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरा एटीएम कार्ड अप्लाई होना चाहिए अदरवाइज मैं कंप्लेन करूंगा ठीक है या फिर आप कंप्लेन कर सकते हैं हर एक बैंक में देखिए एक शिकायत पेटिका होती है उसमें आप लोग जा करके अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन कस्टमर केयर में आप लोग शिकायत दर्ज कर कर सकते हैं कि ए कार्ड रिक्वेस्ट नहीं हो रहा है ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है यहाँ से आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं देखिए ये तो रहे बात अप्लाई होने का ठीक है अब यहीं पर प्रॉब्लम नहीं रुकता है अगर मान लीजिए आप लोग में डिस्पैच का एस आ गया ठीक है ए कार्ड जो है अप्लाई भी कर दिया गया लेकिन इसके बाद आप लोग को नहीं मिलता है बीच में ही फंस जाता है ठीक है तो ऐसे केस में होता ये है कि बस आपके पोस्टमैन के पास फंसता है ए कार्ड या तो पोस्टमैन लोग क्या करते हैं दो चार दिन अपने पास रखते हैं आपको ढूंढते हैं अगर नहीं मिलते हैं आप तो लोग क्या कर दिया तो रिटर्न कर देते हैं या तो फिर बैंक में जाकर जमा कर देते हैं तो ऐसे केस में चाहे ऑनलाइन भी अप्लाई करो चाहे ऑफलाइन अप्लाई करो अगर एटीएम कार्ड अप्लाई कर दिया तो पंद्रह दिन के बाद जाकर के एक बार बैंक का चक्कर जरूर लगा लो हो सकता है कि डांकिया अपने पास रखा हो या फिर बैंक में जाकर जमा कर दिया हो उस ए कार्ड को ठीक है आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हो तो बार लोग अगर बात करें 2023 में एटीएम कार्ड आने में कितना समय लग रहा है तो करीबन इसमें 20 से 25 दिन लग रहा है लेकिन कुछ बैंक हैं जिनका अभी सर्विस पुअर है काफी ज्यादा पुअर है महीने भी लग जाते हैं एटीएम कार्ड पहुंचने में विशेष तौर पर गांव क्षेत्र की अगर बात करें तो गांव क्षेत्र में एटीएम कार्ड आने में थोड़ा सा इस समय ज्यादा समय लग रहा है लेकिन फिर भी देखिए जब से वर्चुअल डेबिट कार्ड सभी बैंकों ने देना शुरू कर दिया है ठीक है जब से वर्चुअल डेबिट कार्ड लॉन्च कर दिया है तब से एटीएम की डिलीवरी जो डेट है थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है लेकिन वैसे भी अभी आ, कुछ बैंक है जैसे एक्सिस बैंक हो गया आईसीआईसीआई बैंक हो गया ये सारे बैंक जितने भी अभी ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का सर्विस दे रहे हैं ना फास्ट ठीक है ये सभी बैंक अपनी सर्विस को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं वो सभी अपने एटीएम का जो डिलीवरी है काफ़ी फास्ट कर दिए हैं ठीक है थेके? तो बस कुछ बैंक हैं जिन जिनका जो डिलीवरी है काफ़ी ज़्यादा पुअर है आई होप इस वीडियो से आप लोगों के हेल्प और जो भी आप लोग का डाउट होगा सारा कुछ क्लियर हो गया होगा तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट बैंक ने अपडेट के साथ तब तक के लिए बाय बाय